हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। सीजी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर 4 जेनेटिक देखेंगे, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो इसे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आगे हमें इस चैप्टर के लिए दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, एलील, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। इसके अलावा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको मैं लिखना भूल गई हूँ, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है एलील। एलील का डेफिनेशन क्या है, एक ही गुण के दो विपरीत लक्षण के कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। यानी कि कोई एक गुण है और उसके दो अलग अलग लक्षण हैं, तो उन दोनों लक्षणों के जो भी कारक होंगे वो एक दूसरे का एलील कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे हम एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मटर का पौधा है, मटर का पौधे में क्या गुण है, एक ऊंचाई का गुण है। ठीक है, ऊंचाई का गुण है, तो ऊंचाई में दो तरीके की ऊंचाई होती है, एक तो शॉर्ट हाइटेड, एक तो लॉन्ग हाइटेड। ठीक है, तो एक ही गुण ऊंचाई है और दो उसके अलग अलग रूप है, बौनापन और लंबापन। तो इन बौनापन और लंबापन को जिस भी रूप में व्यक्त करेंगे, जिस भी कारक के रूप में व्यक्त करेंगे, तो उन कारकों को एक दूसरे का एलील कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसमें आगे और एग्जांपल है। लंबे पौधे के लिए एलील कैपिटल टी टी है, लंबा पौधा है इसलिए हम कैपिटल टी का यूज़ कर रहे हैं, और जबकि बौने पौधे के लिए क्या कर रहे हैं, स्मॉल टी टी का यूज़ कर रहे हैं ठीक है। लंबे व बौने पौधे को व्यक्त करने वाले दोनों कारक TM2T एक दूसरे के एलील हैं। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, जब दो जीवों के बीच में उनको उनके लक्षणों के आधार पर उनको लैंगिक रूप से मिलाया जाता है, तो उसे संकरण कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर जब लैंगिक रूप से मिलाया जाता है और किसी तीसरे ऑफस्प्रिंग बनता है, तो उसे संकरण कहते हैं। और आगे देखते हैं, संकरण दो टाइप का होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस टॉपिक में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मतलब कि जब दो पौधा है या फिर दो जीव है, उसके बीच में सिर्फ एक ही लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मटर का एक पौधा है, मटर का एक पौधा है जिसमें एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। दोनों क्या है, ऊंचाई से रिलेटेड है, यानी कि लक्षण क्या है, ऊंचाई है। तो दोनों के बीच जब संकरण कराया जाता है, तो उसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसमें क्रॉस कैसे होता है उसे समझते हैं। जैसे कि लंबा पौधा जो है फीमेल है और बौना पौधा जो है मेल है, और दोनों पेरेंट सेल है, और दोनों के लिए क्या क्या एलील है। जैसे कि लंबे पौधे के लिए एलील है कैपिटल टी टी, और बौने पौधे के लिए है स्मॉल टी टी। तो जब संकरण होता है, तो जब सेम एलील होता है, तो सिर्फ एक ही एलील गेमिट बनता है, गेमिट बनाने के लिए आगे बढ़ता है, और उसके बाद ऑफस्प्रिंग बनता है। तो जैसे कि दोनों में सेम एलील है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही एलील आगे गेमिट बनाएगा, और गेमिट बनाने के बाद F1 जनरेशन में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑफस्प्रिंग बनता है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो संकर लंबे पौधे बनेगा, और इसे हम आगे प्रभाविता के नियम या फिर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील के तौर पर इसे समझेंगे। तो जब F1 जनरेशन का जो पौधा है उसका जब फिर से क्रॉस कराया जाता है, तो क्या बनता है, इसमें Ratio 1:2:1, यानी कि एक लंबा पौधा, दो हाइब्रिड लंबे पौधे और एक शॉर्ट पौधे। ठीक है, तो ये जो है, जब इनके बीच में, जब असमान एलील्स के बीच में जब संकरण होता है, तो गेमिट बनाने के लिए दोनों ही एलील अलग अलग हो जाते हैं और गेमिट बनाते हैं। उसके बाद इनका संकरण होता है, जिससे कि ऑफस्प्रिंग बनता है सेकेंड जनरेशन का। तो इसमें फिनोटाइप अनुपात वह अनुपात होता है जब कोई जीव बाहरी संरचना आकृति
और आकार से जब सेम होते हैं, चाहे उसका आंतरिक संरचना भले ही भिन्न हो, तो उसे फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लंबा पौधा है और दो संकर लंबे पौधे, लेकिन ऊपर से देखने से हमें क्या दिखेगा, दोनों ही लंबे, मतलब कि तीनों ही पौधे लंबे दिखेंगे। तो इस हिसाब से इसे एक रेशियो में डिवाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर तीन लंबे और एक बौने पौधे, इसलिए इसे 3:1 देंगे। जबकि जीनोटाइप अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें शारीरिक संरचना, आंतरिक संरचना के हिसाब से इसे डिवाइड किया जाता है और उसका बाहरी संरचना भले ही भिन्न हो। तो यहाँ पर जैसे कि एक प्योर टॉल है, यानी कि अंदर से पूरा टॉल है, और दो संकर लंबे पौधे और एक शॉर्ट पौधे है, तो इसे 1:2:1 के हिसाब से बांटते हैं। इसे हम आगे और क्लियरली समझेंगे। नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? जब एक जोड़ी कारक के दोनों एलील एक समान हो तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि किसी पौधे के लंबे होने के लिए उसका कारक जैसे कि कैपिटल टीटी है, तो उसका जो एलील है वो समान है, इसलिए क्या होगा, वो होमोजाइगस होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि शुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी का यूज़ करते हैं एलील के रूप में, शुद्ध बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस जो है होमोजाइगस का जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि एक जोड़ी कारक के दोनों एलील समान होते हैं, लेकिन इसमें एक जोड़ी कारक के दोनों एलील जो होते हैं असमान होते हैं, उसे हेटरोजाइगस कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें लंबे व बौने पौधे के लिए एलील एक साथ साथ है, लेकिन इसमें जो आगे देखेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, तो हमें ये समझ आएगा कि ये जो है पौधा लंबे बनेगा, तो उसे हम आगे क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जब जीवों के आकार, आकृति, संरचना समान हो, चाहे इसका जीन संगठन भिन्न हो। हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी जीव है, उसका आकार, संरचना और उसका आकृति बाहर से जैसा दिखता है, उसके हिसाब से उसका रेशियो निकाला जाता है, उसे फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, ये जो फिनोटाइप है उसको हमने पहले ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है कि जो उसका आकार, आकृति, संरचना बाहर से जैसा दिखता है, उसके हिसाब से इसका रेशियो निकाला जाता है। जैसे कि उस पौधे के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही ये एग्जांपल है जिसमें फिनोटाइप क्या था, 3:1, यानी कि यहाँ पर तीन हमें बाहर से लंबे पौधे दिख रहे हैं और एक बौना पौधा, तो इसे हम 3:1 देंगे, क्योंकि ये बाहर से जैसा दिखेगा उसके हिसाब से इसका फिनोटाइप निकलता है। और जीनोटाइप क्या होता है? जब जीवों का जीन संगठन एक समान हो, चाहे उसकी संरचना में भिन्नता हो, तो उसे जीनोटाइप कहलाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर के पौधे के बीच में सेकेंड जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो 1:1 होता है। जैसे कि यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े भी थे कि इस आंतरिक संरचना के हिसाब से दो हाइब्रिड है जबकि एक प्योर टॉल है, तो इसे हम 1:2:1 कहेंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील, इसका डेफिनेशन, जब शुद्ध नस्ल के जीवों के बीच संकरण कराया जाता है कोई भी एक गुण के दो लक्षणों के बीच, तो एक एलील दूसरे एलील के लक्षणों को दबा देता है, तो जो एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है उसे डोमिनेंट एलील कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम समझ सकते हैं एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, तो लंबा पौधा के लिए जो गैमेट है कैपिटल टी और शॉर्ट पौधे के लिए क्या है, स्मॉल टी है। तो F1 जनरेशन में यहाँ पर देख सकते हैं हाइब्रिड टॉल प्लांट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि डोमिनेंट एलील के हिसाब से इसका डेफिनेशन ही है कि एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, तो जो एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा दे रहा है उसे डोमिनेंट एलील कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के, यानी कि बौने पौधे की जो अस्तित्व है उसको दबा दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है और स्मॉल टी जो है
रेसेसिव एलील है। अब रेसेसिव एलील क्या होता है उसे देख लेते हैं। एक जोड़ी विपर्यायगुण के बीच जब संकरण होता है तो एलील एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव से दब जाता है, उसे रेसेसिव एलील कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जांपल में और समझ सकते हैं, स्मॉल टी जो है दूसरे एलील के प्रभाव से दब जा रहा है, तो यहाँ पर जो है एफ वन जनरेशन में लंबे पौधे बढ़ रहे हैं, तो जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव एलील कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।